नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजरीन खान। लोकसभा में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बजट वास्तव में पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा राजस्व के आंकड़े भी कम नहीं हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा ने साल 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का कुल बजट अनुमान 1,08,621 करोड़ रुपए है, जिसमें विकास के लिए खर्च 29,817 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के संबंध में 2021-20 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा और उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद निचले सदन ने उसे मंजूरी दे दी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के तहत करीब 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई थी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जम्मू कश्मीर के बजट में वास्तव में व्यय अनुमान पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा राजस्व के आंकड़े भी कम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का कार्य जोरदार ढंग से हो रहा है और परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि उधमपुर बारामूला रेल मार्ग अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में भी तेज गति से काम चल रहा है। हाल में 3300 मेगावाट बिजली क्षमता के संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वास्तव में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम हो रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 मार्च 2021 तक 39,439 घर बनाए गए और मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल रहा है। सीतारमण ने कहा कि 2019 में आज तक कानून व्यवस्था स्थिति में सुधार हुआ है और लोग शांति से सभी तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला विकास परिषद चुनाव में लोगों की सहभागिता लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के भरोसे को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे माहौल में चुनाव में हिस्सेदारी के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद है और इससे पता चलता है कि लोगों ने अनुच्छेद 370 पर फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी कम हुआ, ये इस बात से स्पष्ट होता है कि 2019-20 में 6,00,000 लोगों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया। ऐसा मुमकिन है क्योंकि कानून व्यवस्था सामान्य स्थिति में है। सीतारमण ने कहा कि पिछले साल घोषित आर्थिक पैकेज से जम्मू कश्मीर के उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।